ये काफी गुड न्यूज है। यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती 2024 का 60,000 पदों पर आदेश जारी कर दिया गया है। फिलहाल ये आदेश जो अभी भाषण के स्तर पे ही है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा ये आदेश जारी किया गया है, जो कि अपने भाषण में ही इस बात की जानकारी दी गई है। भाषण में पूरी तरह से वैकेंसी को निकाल दिया गया है। इनके द्वारा कहा गया है कि 60,000 पद जो हैं वर्तमान में खाली हैं, हम लोग इस पे वैकेंसी लाने जा रहे हैं। फिलहाल अभी ये जो भर्ती है भाषण स्तर पर ही है, भाषण लेवल पर ही है, धरातल पर नहीं उतर पाई है। ये अभी जो वैकेंसी है ये अखबार लेवल पे भी है, न्यूज़ पे लेवल पे भी है, और वैकेंसी जो है सोशल मीडिया पे खूब चल रही है। फिर धरातल पे कब उतरेगी इस बात की पुष्टि किसी ने न की है और न ही अभी कोई करने को तैयार है। फिलहाल उन्होंने भाषण में क्या कहा, आप भी जरा इसको गौर से सुनिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं योगी आदित्यनाथ ने 60,000 पदों पर वैकेंसी के लिए क्या कहा। शिक्षा आयोग का गठन हो चुका, शिक्षा आयोग कार्य करने जा रहा है। बेसिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी, व्यवसायिक, मेडिकल एजुकेशन में बहनों और भाइयों 60,000 से अधिक नियुक्तियां इंतजार कर रही है। वहां पर भी बड़ी पैमाने पर नियुक्ति की प्रक्रिया, अलग अलग विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया धड़ल्ले से आगे बढ़ेगी।